टाटा बाय बाय करने के चक्कर में मैं उसको पैसा भी देना भूल गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ब्लॉग है वो है, नवरात्रि तो ख़त्म हो चुकी है और दाढ़ी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि दाढ़ी क्लीन नहीं कराऊँगा, थोड़ा सेटिंग करवा लेता हूँ। सेटिंग समझते हैं ना आप लोग, तो चलते हैं सैलून की तरफ। और जो मेरा सैलून है मेरे दोस्त का है, कुछ बीआईपी नहीं है, छोटा मोटा ही है। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी बियर्डो बार्बर मैंगो एक्स वन द सैलून में जाने वाला है, ऐसी बात नहीं है, जाता हूँ मैं कभी काल। बाकी मेरे फ्रेंड्स का है तो भाई उधर कैसा नंबर भी नहीं लगाना पड़ता है, उसको कॉल कर देता हूँ तो भाई तुरंत बैठा लेता जाते कि भाई चलो तुम मेरा कर देता हो पहले, बाकी का सबका बाद में। तो चलिए चलते हैं, जा रहा हूँ, थोड़ा दाढ़ी सेटिंग वेटिंग करा लूँ, अच्छा नहीं लग रहा है बहुत, देख सकते हैं आप लोग। तब चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि गाड़ी हो चुकी है ऑन, मैं निकल चुका हूँ सैलून के तरफ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। तो जैसा कि हम पहुँच गए हैं मेन रोड के पास, आप देख सकते हैं मेन रोड पे हम पहुंच चुके हैं, चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं मैं आ गया हूँ तलो नाका पे सैलून के पास। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं सैलून के पास पहुंच गया हूँ, दुकान का नाम है श्री सिद्धि विनायक हेयर कटिंग सैलून, जो कि कांबे वाले रोड पे है, कांबे वाले रोड पे तलोली नाके पे है। आगे का मेरे साथ बने रही है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं मैं सैलून में पहुंच गया हूं और मेरा भाई बैठा है ब्लैक टी शर्ट में। अब देखिए, आप लोगों को जैसे बोला था जाते ही मेरा नंबर लग जाता है भाई। हेलो करो, हेलो कैसे हेलो। तो दोस्तों देखिए, तब तक अब जा रहा हूं मैं दाढ़ी सेटिंग करने के लिए, अब आगे का आप बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि पहुँच गया हूँ मैं सैलून में, देख सकते हैं आप सैलून में हो, और ये मेरा दोस्त बालजीत, देख सकते हैं आप सैलून में आते ही भाई ने पहला नंबर मेरा ही लगा दिया, अब जा रहा है सेटिंग करने के लिए। तो क्या करेंगे आप मेरा बालजीत, आपका मैं यहाँ लेके इसको थोड़ा दबा कर हल्का सा सेट करेंगे, फिर नीचे से इसको निकाल देंगे। बाल कटवाने की तो जरूरत नहीं है ना, अभी बाल तो ठीक है ना, बाल ठीक है अभी, अगले महीने में देखेंगे, अभी तो थोड़ा चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं दाढ़ी सेटिंग कराने के लिए, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। बोलो अनिल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, अनिल भाई को चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करो, लाइक भी करिए, साथ में कमेंट भी करिए। ये देखो, ये मेरा भाई सही यूट्यूबर वाला है। चलिए ठीक है, तब चलते हैं दाढ़ी सेटिंग करवाने, तब तक मेरे साथ में बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ दाढ़ी सेटिंग करवाने, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, अभी कैंची से हो गई है थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई, अब ब्लेड से करेंगे भाई सेटिंग। तो बालजीत भाई शुरू करो, खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं अभी तो खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया अभी तक? अभी तक नाश्ता हो गया है, सवा एक बज चुके हैं दोपहर के, और भाई ने अभी तक खाना नहीं खाया है, और मैं भी नहीं खाया हूँ वैसे।
अब चलते हैं ब्लेड से सेटिंग करने। कपड़े पे बाल ना गिरे इसके लिए टॉवेल अच्छा है। वीडियो बन रहा है, चालू है चालू है पर आवाज़ बंद किया है। अरे वो काट देंगे इतना तो, इतना तो सिंगिया काट देंगे, जितनी सिंगिया चाहिए उतनी सिंगिया काट देते हैं क्या? जो कभी है वो रखते हैं। देखिए उसमें तमाकू वाकू बनाता हो गया है। कौन बना रहा था? मैं शो बैठ के हटा दीजिएगा उसको, मैं तो कहीं मेरा और नजर। बहुत अच्छे से बना रहे थे तो मैं छोड़ दिया इसका। अरे मैं अपने वीडियो अपनी वीडियो दबाएंगे ना, तुरंत भेजते हैं अपने उधर, तुरंत सब अभी लड़के जितने होंगे ना शॉर्ट डांड होंगे दबा दबा। आप चालू करिए बताओ जरा। देखिए इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने उनको सेव कर दिया है और ये सेटिंग बैठ गई है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे देखिए हमने लाइन से बिल्कुल गोल मारा है, थोड़ा यहाँ पे नोक छोड़ा है, यहाँ से लेकर ये गोल है, फिर यहाँ पे भी नोक छोड़ दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी हल्का सा थोड़ा निकाल दिया और यहाँ पर भी निकाल दिया और मोच को यूँ थोड़ा सा सेटिंग करके यूँ घुमा दिया। देखिए अब ये हो गया परफेक्ट, देख सकते हैं आप इतनी खूबसूरती तरीके से बालजीत भाई ने बहुत ही अच्छा परफेक्शन दिया है। और मेरा जो मुझ का जो स्टाइल था आप लोग देख ही रहे थे, उसको थोड़ा ऊपर करते हुए बालजीत भाई ने नया ही कुछ दिया है। तब तक देखते हैं और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। अच्छा बन गया, ठंडा वाला सबको नहीं दिक्कत करता है। ये दिखाते भी है दाढ़ी को भी, और एक तो एक क्रीमी है धोने वाला चेहरा, पर उसमें दाढ़ी भी भीग जाती है और अच्छे से नहीं करता है इतनी। ये जब कितने को वो हो जाता था क्या सब्सक्राइब होने के बाद ही मिलता है इसका रिचार्ज? कितने तक होता है कमेंट का? 1 लाख। 1 लाख कमेंट ना सब्सक्राइब अरे तो जल्दी हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो लाख नहीं हो पाएगा। ऐसे ही लोग दबाते चले जाएंगे ना तो हो जाएगा। वैसे दबाते हैं, मैं भी दबा देता हूँ कोई कोई कहता तो। कितने इस पर दिखता होगा ना कितने सब्सक्राइब हैं तुम्हारे? हाँ देखो इसमें दिख कहाँ रहा है? अच्छा ये 330। अब हाँ भैया 330 है। हाँ फैमिली गई थी क्या आपके?
ट्रेन हो गई बहुत लेट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बालजीत भाई ने बहुत ही सुंदर तरीके से दाढ़ी सेट किया है, आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्शन में। और भाई ने जो मेरे मूंछ की धार थी वो रखी थी ऊपर की तरफ, और मेरे ये जो आदत है बार बार ऐसे नीचे करने की, तो मैंने फिर से नीचे ही कर दिया। तो बालजीत भाई, दाढ़ी तो आपने बहुत ही बढ़िया सेट किया हुआ है, और बाकी क्या कहने चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बस हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भी आप जाएं, जैसी भी दाढ़ी बनवाएं, बस दाढ़ी बनाने वाला अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए। और अपनी दुकान किधर है ये भी बता दीजिए हमारे दुकान पारुल रोड, कांबा रोड, तलौली नाका, तलौली नाका भिवंडी खाड़ी पार में हमारी दुकान पड़ती है। तो दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं, अगर आप भिवंडी में हैं, नज़दीकी में हैं, तो हमारे दोस्त बालजीत भाई के इधर आ सकते हैं दाढ़ी सेटिंग करने। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती तरीके से भाई ने दाढ़ी सेट किया है, ऐसी दाढ़ी और ऐसा जो परफेक्शन ना डायरेक्शन आप कहीं नहीं देख पाएंगे, ये हमारे बालजीत भाई के पास खाली मिलेगा। अब चलते हैं, अब लेते हैं बालजीत भाई से अलविदा, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। तो दोस्तों दाढ़ी बहुत ही खूबसूरती तरीके से हो चुकी है सेट, अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ, अब लेता हूँ बालजीत भाई से अलविदा। बालजीत भाई आप मिलाइए, तब बालजीत भाई चलते हैं, और जो मेरे दर्शक रहेंगे वो देखेंगे तो आपके पास जरूर आएंगे, तब तक के लिए बाय 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 बाय। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर से, देख सकते हैं श्री सिद्धि विनायक हेयर कटिंग सलून, जो कि पूरा तलौली नाके का देख सकते हैं, अब इधर बोर्ड लगा है, ये है तलौली नाका देख सकते हैं आप, ये रोड जाता है कांबा की तरफ, और ये नीतपाड़ा नदी नाका शलार, और ये रोड है खाड़ी पार की तरफ, और ये बीचों बीच में ही है दुकान श्री सिद्धि विनायक। अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, मेरा घर आपको जैसे बताया ये कांबे साइड की तरफ रखता गया, तो मेरा घर है कांबे में। तरफ अपने एरिया में तो दोस्तों जैसा कि हम पहुंच चुके हैं घर पे, मैं पहुंच चुका हूं घर पे, घर मेरा आ गया है जस्ट सामने देखिए। और दोस्तों मेरे को एक बात अभी को ध्यान आई है, जैसा कि मैं घर पे पहुंच गया और मैं अपने दोस्त से टाटा बाय बाय करने के चक्कर में मैं उसको पैसा भी देना भूल गया, और मेरा दोस्त मेरा इतना अच्छा था कि वो पैसा भी नहीं मांगा मेरे से कि भाई वीडियो बना रहा है और मैं भी बीच में डिस्टर्ब करूँ। तो कोई बात नहीं, फिर जाऊँगा उसके सैलून पर, या शाम को सुबह में कभी जाऊँगा तो उसको दे दूँगा, दोस्त है वैसे कुछ बुरा नहीं मानेगा, चलता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। अब धूप कुछ ज़्यादा ही है और दाढ़ी मेरी सेट हो चुकी है, अब घर पे जाके नहा धो लूँ और फिर आगे का व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ में कुछ नया करने की कोशिश। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।